कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की मीडिया से वार्ता। उत्तराखंड वासियों के वन अधिकारों को लेकर मुखर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन क्षेत्र वासियों को उसके हक हकूक से वंचित करना उनके साथ अन्याय है, लिहाजा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को जंगलों के कानून में उनके लिए संशोधन करना आवश्यक है ताकि वो भी अपनी जीवन सरलता और सहजता से जी सके। जो तिलाड़ी कांड जो है, जो वनों पर अपने अधिकारों के लिए यहाँ के निवासियों ने सबसे पहला आंदोलन 1930 में किया था, तो 3 साल से जो हमारे हक हकूक थे, जो हमारे वनाधिकार थे, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संजो करके रखे हुए थे, वो सब हमने छोड़ दिए और इसीलिए हमारी ये दुर्दशा हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम जंगल काट देंगे, पानी ख़त्म कर देंगे, हम ये कह रहे हैं कि उसका कॉम्पनसेशन हमको मिलना चाहिए और कॉम्पनसेशन का स्वरूप ये होना चाहिए कि 2006 का जो वनाधिकार कानून है वो इस राज्य में लागू हो, उसमें जो सामुदायिक और जो व्यक्तिगत अधिकार जंगलों पर दिए जाने की उस कानून की भावना है वो सब हमको मिले और हम ये कहते हैं कि उसके कॉम्पनसेशन के रूप में उसको आप हमें दीजिए, क्षतिपूर्ति के रूप में दीजिए। जैसे आपने हमारी चूल्हे की लकड़ी छीन ली तो एक गैस सिलेंडर दीजिए ना हमको, जो है निःशुल्क दीजिए, जो हम ग्रीन बोनस की भी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, तो जो लोग यहाँ के पानी और यहाँ के ऑक्सीजन और यहाँ के पर्यावरण से फ़ायदा उठा रहे हैं, परिवार के एक बच्चे को जो है पक्की सरकारी नौकरी दीजिए, उसका परिवार चल सके। बिजली जो है और पानी निःशुल्क होना चाहिए, हमारी जड़ी बूटियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। भालू और जंगली जानवर किसी को खा ले तो 25 लाख रुपये कम से कम मुआवजा दो, भाई और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए। उसी तरह से हम अपना मकान बनाते थे तो वो जड़ी बूटियाँ, जो लकड़ी बजरी पत्थर जो हम निःशुल्क मिलता था, उसका स्वरूप बदल दीजिए, कुछ ईंट दे दीजिए एक यूनिट बनाने के लिए, कुछ लोहा दे दीजिए, कुछ जो है सीमेंट दे दीजिए, कुछ बजरी दे दीजिए। तो ये 9 बिंदु हैं और इसमें आज हमने जो हमारी जो इसकी एक संयोजक समिति यहाँ से हल्द्वानी की पवित्र धरती से इसको घोषित किया है और कुछ जिलाध्यक्षों की भी जो है आज घोषणा की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस राज्य में राजनीति जो है वो यहाँ जो हमारे वनाधिकार के मुद्दे हैं उन पर लोग आए, जातिवाद पर, इलाकेवाद पर, हिंदू मुसलमान पर राजनीति ना करें। हमारी बहू बेटी के जीवन में खुशहाली कैसे ला सकते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं, ये 9 बिंदु आज मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और कमेटी आपके सामने रखी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।